जय श्री राम। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और आज वो पल आने ही वाला है जब प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी करेंगे, और इसी से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचा दे कि आज होगी श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। दोपहर 12:29:08 से अभिजीत मुहूर्त होगा शुरू, और दोपहर 12:30:32 पर अभिजीत मुहूर्त खत्म होगा। तकरीबन 84 सेकंड में पूरी की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। आज दोपहर 10 बजे तक अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी, तो 10 बजे का समय है पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने का। ऐसे में आपको बता दें 84 सेकंड तक प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ऐसे में पीएम पहुंचेंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, रामनगरी पहुंचेंगे पीएम मोदी 10 बजे प्राण प्रतिष्ठा के लिए। पूरे देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, कई दिनों से तैयारी चल रही थी और आज आखिरकार वो क्षण आ चुका है जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गर्भगृह में मूर्ति विराजमान हो चुकी है, कई दिनों से पूरा कार्यक्रम चल रहा है और आज आखिरकार 10 बजे पहुंच के पीएम मोदी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, शामिल होंगे उसमें। और कई दिग्गज भी पहुंच चुके हैं, बता दें कि कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ऐसे में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे पूरे कार्यक्रम में। बता दें दोपहर 12:29:08 से अभिजीत मुहूर्त जो है वो शुरू है, और इसी के साथ आपको बता दें कि 12:30:32 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। चौरासी सेकंड में पूरी की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त का समय 84 सेकंड है, और ऐसे में आपको बता दें कि इंतजार काफी लंबा था, 500 सालों का इंतजार जो कि अब खत्म होने जा रहा है, वर्षों का इंतजार अब संपन्न हो जाएगा। और अब से महज कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्रियम पाठक हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। प्रियम, कुछ ही घंटों का समय और वो पल जिसका इंतजार 500 सालों से था वो खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल स्वीटी, देखिए महज कुछ ही चंद लम्हे जो है कह सकते हैं उस समय को मुकम्मल होने के लिए बचे हुए हैं जिसका सैकड़ों सालों से पूरे देशवासी, पूरे दुनिया के राम भक्त जो है वो कर रहे थे, और वो वक्त अब मुकम्मल होने जा रहा है। अब से महज कुछ ही घंटों के बाद में जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो अयोध्या पहुंचेंगे और यहां पर आकर वो उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कल से ही जो वीवीआईपी मेहमान हैं उनका आने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। सुरक्षा व्यवस्था के चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त अयोध्या में लता चौक पर हूँ, और यहाँ पर अगर पीछे मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँ तो नज़ारा अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो आप देखेंगे तो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहाँ पे तैनात की गई हैं। उन सभी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था के अगर आप देखें तो जो अगर आप देखें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको पुलिस फोर्स के लोग जो हैं वो नज़र आएंगे, आपको स्पेशल फोर्सेज के लोग जो हैं वो नज़र आएंगे, सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो नज़र आएंगे। हर तरफ चाक चौबंद जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को और जो आज की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ बैरिकेडिंग की गई हुई है, सामान्य लोगों के आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पर किसी का भी आवागमन जो है वो नहीं होगा, केवल जो जिन लोगों को एडमिट किया गया है, जिन लोगों को अलाउ किया गया है केवल वही लोग जो हैं वो जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो आप सीआरपीएफ के लोग भी आपको नजर आएंगे, पुलिस के लोग आपको नजर आएंगे, हर तरफ से कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। इसके अलावा बात करें तो अयोध्या पूरी तरीके से दुल्हन के जैसी सजी हुई नजर आ रही है। कई कुंटल फूल से जो फूल हैं उनसे अयोध्या को सजाया गया है। आप अगर आप देखें तस्वीरों के माध्यम से तो ये केवल अयोध्या के अंदर का नज़ारा नहीं, अमूमन ऐसे ही जो पूरा स्टेट हाईवे है उसको भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ठीक इसी तरीके के आपको सजावट, इसी तरीके के फूलों से सज्जा जो है वो नज़र आएगी। जो पूरी तरीके से आप देखेंगे ये इस समय सत्य बस है, और ये कहीं ना कहीं पूरा जो नज़ारा है वो आप देख पा रहे हैं। तो
जो लोग हैं वो पूरी तरीके से कह सकते हैं, जो सुरक्षा बल के लोग हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं, और इसके अलावा जो पूरी कह सकते हैं अयोध्या है वो सच सवर कर तैयार हो चुकी है। और अब से महज कुछ ही मिनटों का, कुछ ही घंटों का महज जो वक्त है वो बचा है, जिसके बाद वो वक्त जो है वो मुकम्मल होगा, जिसको कई सैकड़ों सालों से पूरे अयोध्यावासी, पूरे प्रदेशवासी, पूरे देशवासी और पूरी दुनिया के राम भक्त इंतजार कर रहे थे। स्वीटी जो बिल्कुल हर कोई इंतजार कर रहा था, और 1528 से जो ये सफर शुरू हुआ है अब जाके वो खुशी का पल आने वाला है। ऐसे में बात की जाए तो मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला क्या प्रियम शुरू हो चुका है, क्या कुछ खास इंतजाम मेहमानों के लिए किए गए हैं? स्वीटी देखिए, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो कल से ही शुरू हो चुका था। वीआईपी मेहमान जो है वो अपने प्राइवेट जो विमान है उनसे यहां पर पहुंचे हैं, कई हेलीकॉप्टर से मेहमान जो है वो यहां पर पहुंचे हैं, और पूरी तरीके से कह सकते हैं जो अयोध्या है वो इस समय मेहमानों से भरी हुई है। मेहमानों के स्वागत को लेकर पूरी तरीके से अयोध्या तैयार है। कल ही बड़ी संख्या में जो वीआईपी मेहमान हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो कल से ही जो है वो शुरू हो चुका है, और जो डेलीगेट्स हैं वो यहां पर कल से पहुंच चुके हैं, अभी भी लगातार ये सिलसिला जो है वो जारी है। कब, क्या, कैसे कार्यक्रम का स्केड्यूल क्या है, और क्या कुछ यहाँ पे तस्वीरें नजर आ रही है इससे तर हटके? देखिए, शेड्यूल की बात करी जाए तो 10:25 पर प्रधानमंत्री का जो विमान है वो अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, और वहां से वो अपने काफिले के जरिए राम जन्मभूमि तक पहुंचेंगे, और वहां पर जो आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वो उसमें शामिल होंगे। तकरीबन 5 घंटे तक जो है माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो अयोध्या में रहेंगे, और यहाँ पर जो वीआईपी मेहमान जिनको आमंत्रित किया गया उनसे भी वो मुखातिब होंगे, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा अयोध्या का भी वो भ्रमण आज प्रधानमंत्री जो है वो करते हुए नजर आ सकते हैं। और आज के इस प्रोग्राम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कल से ही अयोध्या में है, उन्होंने खुद आकर देर रात तक जो है सभी जगह का निरीक्षण किया है, सभी जगह पर गए हैं, उन्होंने तैयारियों की समीक्षा करी है, हर एक चीज को लेकर खुद उन्होंने परखा है, देखा है, जाना है, समझा है, जो तैयारियां की गई हैं कि वो मुकम्मल हैं या नहीं है, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई कमी ना हो, इस बात को पूरी तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात तक सुनिश्चित किया है। और आज सुबह से भी वो लगातार, अगर आप देखें तो लोगों के जो अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क में है, लगातार तैयारियों को फिर वो देख रहे हैं, परख रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अयोध्या जो है वो आज मेहमानों के स्वागत को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, सजी सवरी हुई अयोध्या आज एक नव अयोध्या जो है वो नजर आ रही है। और ये तैयारी काफी सालों से चल रही थी जो कि अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुकी है। प्रियम, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो बता दें कि श्री राम के आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर पूरे देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको अब 4 तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जो पहली तस्वीर होगी वो राम मंदिर की है, जो अयोध्या नाथ के स्वागत के लिए सजकर तैयार है। दूसरी तस्वीर अयोध्या नगरी की है, जो अपने राजा के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सज गई है। तीसरी तस्वीर श्री राम के ससुराल यानी कि जनकपुरी नेपाल की है, जो अपने पाहुन के मंदिर में प्रवेश की खुशी में जगमग हो रखी है। और चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के ओरछा के राम राजा मंदिर की है, जो इस भव्य घड़ी में जगमग कर रही है। तो ये 4 तस्वीरें इस बात का प्रमाण देते हैं कि किस तरीके से उत्साहित है पूरा देश, और यही उत्साह जो है वो झलक रहा है इस तस्वीर में। बता दें आज प्राण प्रतिष्ठा है, और ऐसे में जगह जगह से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। ये प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जगमगा रही है ये नगरी, अयोध्या नगरी हो या फिर ओरछा की बात की जाए जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जनकपुर नेपाल जो अपने पाहुन के स्वागत के लिए किस तरीके से तैयार है, तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, और ये लोगों का उत्साह ही है जो इस तस्वीर में उभर के आ रहा है। और इस बीच अहम जानकारी, अयोध्या में 26 जनवरी तक हाई अलर्ट है। बता दें श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलर्ट किया गया है, और 10,000 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर। तो अहम जानकारी, 26 जनवरी तक अयोध्या में हाई अलर्ट है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, ये अलर्ट है। और बता दें आपको कि 10,000 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर राम नगरी में
13,000 पुलिस कर्मियों का पहरा होगा और डीजीपी मुख्यालय से 31 आईपीएस, 44 एएसपी तैनात है, 140 सीओ, 208 निरीक्षक, 1196 उप निरीक्षक और 5,000 मुख्य आरक्षी होंगे। बता दें 26 कंपनी पीएसी की भी तैनात है, तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। हाई अलर्ट पे अयोध्या नगरी है, ऐसे में आपको बता दें कई पुलिस कर्मी तैनात है, ना सिर्फ पुलिस कर्मी बल्कि कई ऐसे संगठन की टुकड़ियां हैं जो कि तैनात की जाएगी। 140 सीओ, 208 निरीक्षक और 1100 के करीब निरीक्षक यहां पे तैनात है, 5,000 मुख्य आरक्षी, आरक्षी 26 कंपनी भी तैनात है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। जहां तक ट्रैफिक का प्रश्न है, ट्रैफिक का डाइवर्शन अयोध्या जी के आसपास के जनपदों से ही पहले से कर दिया गया है। कल शाम से केवल वैसी गाड़ियां ही जा रही हैं जिनको जिला प्रशासन के द्वारा वहां जाने की अनुमति दी गई है या फिर ट्रस्ट के द्वारा जिनको उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। जो कैटेगराइज्ड वीआईपी हैं उनके लिए पुलिस स्कॉर्ट की व्यवस्था या तो लखनऊ से या फिर अयोध्या जी में जो नया एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ है वहां से जो लोग भी फ्लाइट से आएंगे उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था की गई। तो अयोध्या नगरी सज चुकी है क्योंकि आज ये पल बेहद खास है, ऐसे में तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। ये सीधी तस्वीरें अयोध्या की है जिसमें तैयारी किस तरीके से सुगम हो रही है साफ तौर पे नजर आ रहा है। पूरा अयोध्या भगवामय हो चुका है और यहाँ पे देखिए तैयारी क्या है, अपने जोरों शोरों पे है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पे पधारेंगे और ऐसे में वीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पे अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। ये किस तरीके से कुर्सियाँ लगाई गई है और ये राम मंदिर है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, कुछ ही क्षण बचे हैं। नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है, पूरी अयोध्या नगरी भगवामय हो चुकी है और ये तस्वीरें सीधे अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे। तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी, जो शोर से तैयारी चल रही थी, खुद सुबह के मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे, तैयारियों का जायजा ले रहे थे और ऐसे में ये क्षण जो है वो आ चुका है और काफी कहानियां किससे अयोध्या नगरी से जुड़ी हुई, कार सेवकों के संघर्ष से जुड़ी हुई, वीएचपी के उस कदम से जुड़ी हुई जो कि आज इस अयोध्या में एक बार फिर से उभरने जा रही है। ये तस्वीरें लता मंगेशकर चौक की है जहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ये पुलिस प्रशासन यहाँ पे दिख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से ही अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं, शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास ज्यादा जानकारी देंगे अयोध्या से, प्रियम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अभिनव भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभम मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अब से कितनी देर बाद वीआईपी मूवमेंट शुरू होगा, क्या कुछ अपडेट है कार्यक्रम को लेकर आपके पास? कहा जा सकता है कि सभी पुराने जो राम भक्तों की दूरी थी वो अब कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही। आज जो है भगवान श्री राम लला की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर के तैयारियां जो है जोरों पर देखी जा रही हैं, लगातार इस वक्त मौजूद है धर्म पथ पर और धर्म पथ की अगर तस्वीरें अगर हम दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, किस तरीके से जो सड़कें हैं सड़कों को पूरी तरीके से जो फूल है फूलों से सजाया जा चुका है, फूलों से जा चुका, फूलों को सजाने के बाद उस पर जो है जो पुलिस फोर्स से लगातार मुस्तैद दिख रहा है, अलग अलग जो कार्यक्रम है जो लोग हैं हर्षोल्लास के साथ अपने भगवान श्री राम जो आराध्य हैं उनको लेकर के उनके आगमन को लेकर के काफी उत्साहित है, काफी ज्यादा उमंग जो है देखी जा रही है। उसी समय बाद यहाँ पर लगभग 10:45 पर पीएम मोदी जो है अयोध्या पहुंचेंगे, अयोध्या के बाद वो
अलग अलग जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। लगातार कहा जाता है कि जो धर्मपथ जिस वक्त जिस समय पर हम मौजूद है, जिस रास्ते पर हम मौजूद है, उस रास्ते पर इसी रास्ते से होते हुए पीएम मोदी जो है हनुमान गढ़ी की तरफ जाएंगे, राम मंदिर की तरफ पहुंचेंगे। कहा जा सकता है कि ये वही रास्ता है जहां पर पीएम मोदी जो है जाने वाले हैं। पीएम मोदी इसी रास्ते से निकलेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करेंगे। आखिरकार जो वर्षों से जो प्रतीक्षा थी राम भक्तों की वो कहीं ना कहीं अब कम होती दिखाई दे रही। अब कुछ ही क्षणों बाद जो है भगवान श्री रामलला जो है अपने महल में विराजमान होंगे। उनको उसको लेकर के तैयारियां जो है जोरों पर है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगातार जो मुस्तैदी है पुलिस प्रशासन की, यूपी एटीएस की लगातार बनी हुई, लगातार अलग अलग जो कार्यक्रम है वो भी देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही पल बाद वो क्षण आ जाएगा जिसका इंतजार है। ऐसे में विकास, बात की जाए तो आप कहाँ मौजूद है और क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्या उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? काफी बड़ा उत्सव है ऐसा में, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं अयोध्या नगरी को, पूरी नगरी को जो है राममय बना रहा है। आपको बता दें कि लोगों में ऐसा उत्साह है जो कि कभी देखा गया होगा। जब राम वनवास काट कर आए थे, भगवान श्री राम ने जब 14 वर्षों का वनवास काटा था, उसके बाद से जो नजारा देखा गया था ऐसा ही अयोध्या में जो है लोग दीपावली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, और हर्षोल्लास के साथ जय जय श्री राम के जयकारे से पूरा जो अयोध्या नगरी है गूंज रही है। क्योंकि फूलों की तरह सजा लिया गया है, ये तो अलग पहलू है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आराध्य का दीदार करना चाहते हैं, लोग साक्षी बनना चाहते हैं, देश विदेश के कोनों कोनों से न जाने कितने किलोमीटर पैदल चलकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये उनके आस्था का जीवन प्रणाम प्रमाण है कि वो चाहते हैं कि वो एक बार दीदार करें, एक बार दर्शन करें अपने आराध्य के करने के लिए वो बड़े दूर दूर से आए। तो ये काफी भव्य जो है एक उत्सव है अयोध्या में। लेकिन देखना होगी जब पीएम मोदी यहाँ पर आते हैं और प्राण प्रतिष्ठा होती है रामलला की, तो वो पल कितना खास होगा, वो पल कितना प्यारा होगा राम भक्तों के लिए। खासतौर पर वो पल काफी ज्यादा एक भावुक करने वाला पल होगा, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे राम भक्त जो है भावुक दिखे जब उनको अक्सर निमंत्रण दिया जा रहा था, जब उनको राम जन्मभूमि अयोध्या की जाने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो पल याद कर रहे थे जब एक समय अयोध्या जो है सांप्रदायिक हिंसा के घेरे में थी, एक तरफ जो है जहाँ राजनीति ने झगड़ा हुआ था, वही दूसरी तरफ जो है रामलला टेंट में थे। और अभी अब देखा जाए तो रामलला का उनका अपना घर मिल रहा है, एक अच्छा आवास मिल रहा है, टेंट से वो घर में स्थापित हो रहे हैं। ऐसे में ये पल काफी ज्यादा खास है, और अयोध्या के जो लोग हैं वो फ्लाइट के साथ साथ पूरा जो सनातन समाज है वो भी कहीं ना कहीं खुश है, पूरे देश भर में एक बार फिर से दीपावली और होली जैसा माहौल है। जी बिल्कुल, अगर अभिनव बात की जाए तो देखिए ये पल काफी खास है और मेहमान भी कहीं पहुंचने वाले के हैं। ऐसे में उत्साह भी लोगों का अपने चरम पर, और ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में यही जगमगाहट, यही उत्साह और यही खुशी की लहर देखी जा रही है। जी 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 बिल्कुल, बता दो कि जो आस्था का सैलाब था वो अब उमड़ चुका है। अभी तो पूरे भारत में, पूरे देश दुनिया में जहाँ भी सनातनी है, हिंदू है, जो राम भक्त के अनुयायी, भगवान राम के जो अनुयायी हैं, भगवान जो राम भक्त हैं, अब उनकी निगाहें हैं कि जब अब वो पल के साक्षी बनना चाहते हैं कि जब भगवान राम को देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी। जी बिल्कुल अभिनव, और ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जहां अनुपम खेरे कई दिग्गज पहुंच चुके हैं अयोध्या से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां वीवीआईपी मोमेंट अब शुरू हो चुका है। अनुपम खेर पहुंचे हैं राम मंदिर अयोध्या पहुंचे हैं वो, और ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कई ऐसे अभिनेता अभिनेत्री हैं जिनको इनविटेशन भेजा गया था, जिनको निमंत्रण दिया गया था, और सब के सब आज पहुंचने वाले हैं। कंगना रनौत भी पहुंची थी बीते दिन, और पीएम मोदी के आह्वान पे जो मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी उन्होंने श्रमदान किया था। और ऐसे में ये तस्वीरें सब अयोध्या नगरी से ही निकल के सामने आ रही है। सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां तैनात है, आरपीएफ के भी कई जवान तैनात है, और ये सुरक्षा के ही इंतजाम को बताता है। प्रियम, अगर ऐसे में बात की जाए तो 1528 से ये सफर जो शुरू हुआ था, कई गवाह जो है ये खुद अयोध्या नगरी रही है, चाहे 1990 की बात कर ली जाए, 1992 की बात कर ली जाए, और 2024 जनवरी। बिल्कुल, देखिए एक लंबी लड़ाई कह सकते हैं सूटी चली है, 500 सालों की ये लड़ाई थी। 1992 यानी 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था जब विवादित जो ढांचा था उसको ढाया गया था, और उसके बाद से लंबी एक कानूनी प्रक्रिया चली।
कई सालों तक ये कानूनी प्रक्रिया चली, कई कानूनी दावपेच जिसमें फंसते रहे, लेकिन उन सब के बाद जब 2019 में इसका फैसला आया, उसके बाद से साफ तौर पर अयोध्या के नव निर्माण की दास्ता जो है वो शुरू होती है यहाँ से। और वो दास्ता एक ऐसी थी कि आज अगर आप देखें तो अयोध्या, नव निर्मित अयोध्या जो है वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप होती हुई नजर आ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कह सकते हैं सरकार का भी दावा है कि यहाँ तकरीबन हर रोज 1,00,000 लोग जो है, जो राम भक्त है, वो अयोध्या पहुंचेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है। और उसी लिए अगर आप देखें तो अयोध्या के अंदर आज हर एक चीज आपको उपलब्ध नजर आएगी। जो पतली संकरी गलियां हुआ करती थी, आज वो चौड़े चौड़े मार्गों के रूप में जो है वो तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अन्य जो सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है, आने वाले ये जो यात्री होते हैं, आने वाले जो पर्यटक होते हैं, उनको जो सुविधाओं की आवश्यकता है उसका विशेष तौर पर ख्याल यहाँ पे रखा गया हुआ है। चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वो उनके ठहरने की व्यवस्था हो, टेंट सिटी की बात हो, लग्जरी कॉटेज की बात हो, जो अयोध्या कभी वीरान रहा करती थी और एक छोटे से शहर के तौर पर जानी जाया करती थी, रामलला एक टेंट के अंदर रहा करते थे, लेकिन अब शायद कह सकते हैं देश का सबसे भव्य दिव्य मंदिर बनकर जो है रामलला का तैयार हुआ है। तो वो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए जो उसमें कलाकारी है, एक एक जो उसकी दीवारें हैं उसमें जो नक्काशी है उसको उकेरा गया है। तो इन सब के जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है और आने वाले दिनों के लिए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म नगरी के तौर पर उभर कर आएगी। और इसीलिए ये नज़ारा आपको जो है आज देख, आपको कैसी लग रही है चारों तरफ जिस तरह से काम किया हुआ है? और पहली दिवाली दोबारा आई हुई है, ये दिवाली असली दिवाली पूरे भारत में। और अयोध्या, अयोध्या जो जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, अनुपम खेर को सुन रहे थे, उनका कहना है कि दिवाली दोबारा आई है और एक ही साल में दो बार दिवाली मनाना ये सिर्फ भारत के लोग ही कर सकते हैं। प्रियम, रामलला 14 साल के जब वनवास के बाद आए थे तो देश में दीपावली मनाई गई थी और ये वनवास जो है वो 500 सालों का था। तो जाहिर सी बात है कि ये दीपावली की जो खुशी है वो कई और गुना बढ़ जाती है। और इसीलिए अगर आप कहें तो अयोध्या के अंदर अगर आप देखें तो साफ तौर पर आपको नज़ारा जो है वो बता रहा है कि कितना बड़ा ये उत्सव है, पूरे देश का ये उत्सव जो है वो बन चुका है अयोध्या। और इसीलिए अगर आप देखें तो हर जगह आज अयोध्या को लेकर चर्चा हो रही है। हर एक शख्स अगर आप देखें आज जरूर प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप मेरे पीछे का एरिया भी अगर आप देख रहे होंगे तो सामान्य लोग आपको आज नजर नहीं आएंगे, लेकिन कल देर रात तक यहाँ पे लोगों का तांता लगा रहा। कोई पैदल चलकर, कोई साइकिल से चलकर, अलग अलग तरीके से लोग जो है आकर यहाँ पहुँचे, आकर वो यहाँ पर इसलिए पहुँचे ताकि वो इस गवाह, इस लम्हे का वो साक्षी बन सके, खुद उस बात में वो कह सकें कि जब राम मंदिर निर्माण हुआ, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तब वो खुद उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। जबकि बात करें तो मार्ग जो थे वो 2 दिन पहले से ही प्रतिबंधित कर दिए गए थे, सामान्य यातायात पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद किया गया, लेकिन उन सब के बावजूद हजारों की संख्या में जो राम भक्त थे वो अयोध्या पहुंचे, देर रात तक बने रहे। हालांकि आज सुबह से जरूर सैनिटाइजेशन शुरू हुआ है और जो लोग थे, जो आम पब्लिक थी, उनको हटा दिया गया। और नज़ारा भी मैं थोड़ा सा अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा वो आपको दिखाएं। ये लता चौक है और यहाँ पर आप देखें तो केवल जो VVIP प्रोटोकॉल के तहत या जिन लोग को इन्वाइट किया गया है वो लोग आपको नजर आएंगे, और इसके अलावा सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे। सामान्य लोग जो कल नजर आ रहे थे वो तकरीबन ना के बराबर है, सभी को बाहर कर दिया गया है। जिन लोगों को इन्विटेशन नहीं, उनको किसी को भी यहाँ पर रहने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। CRPF के जो जवान है वो आपको तैनात नजर आएंगे, पुलिस के जवान जो है वो तैनात नजर आएंगे, PSC के जवान है वो नजर आएंगे, NSG कमांडो जो है वो तैनात किए गए हैं दिल्ली से। NSG बहनों ने उनकी नजर उतारी थी इससे। बहुत टफ होता होगा इसको सिर पर रखकर करना, तो कैसे? प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे 3 साल की उम्र से, 4 साल की उम्र से कर रही है। अच्छा, ये बताइए आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे, इसका इंतजार सबको? आज बहुत भव्य है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज राम जी आ रहे हैं और हम लोग का मतलब कह नहीं सकते, बहुत अच्छा लग रहा है मन में। प्रयागराज भी क्योंकि वहाँ पर भी धार्मिक माहौल रहता है और वहाँ से यहाँ आए हैं, तो क्या और शेयर कर पाए और इस दिन का इंतजार आपको भी जाहिर रहा होगा? बहुत था और हम लोग पहले भी आए थे और उस समय हम लोग को बहुत अच्छा लगा, पर आज एक अलग ही मौका है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज राम जी का उद्घाटन होगा, वहाँ पे राम जी आएंगे, हम लोग को बहुत खुशी होगी। किस तरह का जश्न मनाएंगे? राम जी आ रहे हैं,
अब बहुत अच्छा लग रहा है, डांस करेंगे यहाँ पे, उनकी नजर उतारेंगे। तो क्या बड़ा और क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, हर कोई उत्साह है शुभम, और उत्साह होना भी चाहिए क्योंकि ये पल जो है वो काफी सालों बाद आया है। बच्चे तक समझ रहे हैं कि राम जी आ रहे हैं, इसलिए दिवाली मन रही है। शुभम शुभम को दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन विकास ये जो घड़ी है, ये घड़ी काफी लंबी तो है, ये इसी बात का प्रमाण है कि इंतजार का फल जो है वो मीठा होता है। जो भी होगा वो अच्छा होता है, अच्छे की ठीक होता है। इसका प्रमाण आप नदी में देख सकते हैं, एक बार फिर से दिवाली का समावन है सब भगवान श्री राम का। जो बिल्कुल विकास, और देखिए तैयारियां काफी सुगम है, काफी दिनों से चल रही थी, मुख्यमंत्री को खुद इस पे नजर बनाए हुए थे, पल पल दौरा कर रहे थे, वो अपडेट ले रहे थे, और जब अभिनव 30 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचे तो आप भी मौके पर वहां पे मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया था कि आप 22 को मत आइए, 22 तारीख के बाद आइए, क्योंकि 22 का पल जो है वो काफी बेहद भावनात्मक है, बेहद उत्साहजनक है, और इसलिए उन्होंने कहा कि 22 तारीख को अगर पूरी दुनिया यहीं आ गई तो अवध नगरी दिखेगी ही नहीं। जो बिल्कुल, प्रियम भी हमारे साथ लगातार लता मंगेशकर चौक से है, और प्रियम ये उत्साह जो है वो बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों में भी देखने को मिल रहा है, हर उम्र दराज के लोगों में यही उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए राम भक्त यहाँ हर कोई है, चाहे वो 4 साल 2 साल के बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, जवान हों, कोई भी हो, सभी जो हैं वो राम भक्त हैं और राम की भक्ति में लीन नजर आए हैं। आप देखें तस्वीरों के माध्यम से, कल हमने जिस तरीके से लोगों के बीच में जुड़े, उनसे बात किया, तो साफ तौर पर नज़ारे जो थे वो देखने को मिले, लोग भावनात्मक रूप से यहाँ पर जुड़े हुए नजर आए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 92 के दौर में भी थे, जब ये बाबरी विध्वंस ढांचा जो था वो ढाया गया था, उस वक्त भी वो मौजूद थे, उन्होंने वो दौर भी देखा है और आज का ये दौर भी वो देख रहे हैं, तो इसलिए साफ तौर पर कई लोगों की आंखें भी जो है वो नम नजर आ रही हैं। ये सब के पीछे की वजह है कि एक जो लंबा इंतजार करना पड़ा है राम भक्तों को, हालांकि जरूर अब वो वक्त मुकम्मल हो रहा है, जब वो वक्त पूरा हो रहा है, और आज वो दिन आ चुका है जब रामलला विधि विधान के साथ में पूरे अपने मंदिर में विराजमान पूरा होने जा रहे हैं, और इसी वक्त का शायद सैकड़ों सालों से लोगों का इंतजार था, बहुत कुर्बानियां लोगों ने दी है, बहुत कह सकते हैं लोगों ने इसके पीछे सेक्रीफाइस किया है, और शायद इन सब का नतीजा है कि आज ये तस्वीर हम लोग देख पा रहे हैं। अयोध्या के अंदर आप अगर देखेंगे नज़ारा तो पूरी तरीके से राममय नज़र आ रहा है, हर तरफ हर कोई राम की भक्ति में लीन है, हर तरफ जय श्री राम के नारे, पूरी अयोध्या के अंदर भजन गीत जो है वो चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और उन सब के जरिए पूरा एक मकसद है कि हर कोई इस भक्ति में, इस समय में, इस राममय कह सकते हैं माहौल में अपने आप में घुल मिल जाना चाहता है, और इसीलिए आप देखें तो सभी के मुंह पर सिर्फ जय श्री राम के नारे लगते हुए अयोध्या के अंदर से नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन आज का ये दिन होने जा रहा है, और शायद इतिहास के पन्नों में आज का दिन ये दर्ज होगा जब लोग इस वक्त इस लम्हे को देख पा रहे हैं जिसको लेकर 200 सालों का इंतजार किया गया है। जी बिल्कुल, और हर कोई अपनी मौजूदगी दर्ज करना चाहता है यहाँ पे, इसलिए हर राज्य से, हर जिले से कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहे, चाहे जनकपुर की बात की जाए या फिर अलीगढ़ का तारो, हर जगह जो है राम मंदिर के लिए एकदम खास बना दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तक इसकी पहचान हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि वीरान अयोध्या जो किसी दौर में हुआ करती थी, आज वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या को पहचान मिल चुकी है, और लोग आज कहीं ना कहीं अयोध्या को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसीलिए आप अगर देखें तो साफ तौर पर अयोध्या के अंदर आज हर कोई अपनी सहभागिता को दर्शा रहा है, चाहे वो
कोई शख्स हो, संस्था हो या अलग अलग जगह से हो, सभी ने अपने अपने तरीके से कह सकते हैं अयोध्या के इस नव निर्माण में अपनी आहुति जो है वो दी है, अपनी तरफ से अपना सहयोग, अपना जो कह सकते हैं कि अपना अपना योगदान जो है वो दिया है। और इसीलिए अगर आप देखें, चाहे वो कई नदियों का जल हो, चाहे वो अलग अलग मंदिरों से, ट्रस्टों से प्रसाद वितरण को लेकर हो, तो ये सभी चीज़ें कह सकते हैं साफ तौर पर कि हर एक शख्स जो है वो अपने आप को चाहता है कि वो अयोध्या के इस नवनिर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करे। और इसीलिए हर तरीके से सभी लोगों ने अपनी अपनी तरीके से प्रयास किया है कि वो अयोध्या के इस नवनिर्माण में, इस रामलला के आगमन में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सके, और सभी की तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग जरूर किया गया है। जी बिल्कुल, ये अयोध्या की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं कि यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, हर कोई योगदान दे रहा है इस कार्यक्रम में। और राम में पूरी अयोध्या से तो पहले से थी, अब और ज़्यादा उत्साहित और राम में नजर आ रही है। ये उत्साह जो है काफ़ी दिनों पहले से ही दिखाई दे रहा था, और हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों के समक्ष रख रही है कि तमाम मेहमान जा रही है, पहुंच रही है। शुभम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं? क्योंकि लता मंगेशकर चौक की बात की जाए तो वहाँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर जारी है। बिल्कुल, जिस जगह हम मौजूद हैं धर्मपथ पर, इस जगह पर, इसी रास्ते पर पूरी तरीके से जो है उसको फूलों से सजाया जा चुका है। फूलों से सजाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो काम है वो किए जा रहे हैं, लगातार जो है तस्वीर वगैरह बना करके जो पीएम मोदी के आगमन के लिए जब वो आएंगे उनके स्वागत के लिए काफी सारी जो कलाएं हैं, जो नृत्य हैं वो किए जा रहे हैं, अलग अलग जो कार्यक्रम है वो लगे हुए हैं। इसी रास्ते से पीएम मोदी जो है हनुमानगढ़ी और रामलला की तरफ जाएंगे, और कहा जा सकता है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 22 जनवरी का दिन जो है हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। हर राम भक्त जो है इस आज की घड़ी को अपने मन में, अपनी आंखों में बताना चाहता है। ऐसी तस्वीर आज सदियों बाद आई है, सदियों बाद जो है रामलला जो है आज अपने स्थान पर पहुंचेंगे, अपना अब उनको तो जो महल है वो मिल पाएगा। कहा जा सकता है कि सदियों बाद जब ऐसी तस्वीर आ रही हो, ऐसा जब कार्यक्रम हो रहा हो, भगवान श्री रामलला केंद्र से निकल करके जब अपने महल में जा रहे हो, तो जो जोश है, जो उत्साह है राम भक्तों में, पूरे देश में देखा जा सकता है। अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, लगातार जारी है, लगातार कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। और आज की जो तारीख है वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाली है, हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा जो पड़ाव है वो देखा जा सकता है कि आज भगवान श्री रामलला जो है अपने महल में विराजेंगे, उसको लेकर के जो हर कोई जो तस्वीरें हैं क्या कहेंगे। बस इस पर मैं यही कहूंगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये हमारे भारत की जो हिंदू संस्कृति है उसका पुनर्स्थापना हो रही है। उसके माध्यम से हम पूरे दुनिया में अपनी जो सनातन संस्कृति है उसको हम प्रदर्शित करेंगे। अपनी जो शक्ति थी, जो कहीं ना कहीं हम सब उसे अपने को दीनहीन समझते थे, आज ये पूरा संसार जो है, पूरा दुनिया जो है हमारी संस्कृति को वो लाभान्वित करेगा उससे। मैं ब्रह्मचारी अलक निरंजनानंद शंकराचार्य द्वारा दीक्षित इस संसार में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है, जैसा त्रेता युग में हुआ था आज वैसा ही वातावरण बन गया है। और हिंदुस्तान के समस्त और विश्व के जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो आज के दिन अपने घरों में दिया जलाएं और राम उत्सव का आनंद मनाएं और पूरे समय जय श्री राम का जय घोष करते रहे। जय जय सिया राम। तो वहाँ के संत जो है वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये पुण्य स्थापना होने जा रही है अपने संस्कृति की, और राम में पूरा अयोध्या हो चुका है विकास। और ऐसे में बात की जाए तो संत भी काफी भारी तादाद में पहुंचे हैं वहाँ पे इस पल का साक्षी बनने के लिए। लगता है विकास से संपर्क टूट गया, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभिनव, आप तो अयोध्या नगरी में रहती ही है, वहां अब क्या बदला है इतने सालों में, अब क्या कुछ नया नजर आ रहा है?
अरे जी बिल्कुल, बता दो कि अयोध्या का जो पुनर्विकास हुआ है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर पाई है। आपको बता दूं कि जो अयोध्या की जो पुरानी वैभव रही है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए लगातार जोर पर जोर भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रही है और अब करने में सफल भी रही है। भगवान राम के जो टाट से ठाट का जो सफर रहा है बहुत ही पीड़ादायक रहा है, क्योंकि आमतौर पर लोग जैसे गर्मी लगती है तो लोग एसी में रह लेते हैं, ठंडी लगती है लोग ब्लोअर चला लेते हैं, ऐसे भगवान राम उसे टेंट में ही है, जब चाहे वो बरसात हो तभी उसी में रहते थे, ठंडी लगती थी तभी, और तो ऐसे में भगवान राम का जो ये सफर रहा है टाट से ठाट का ये बहुत ही पीड़ादायक रहा है जी। जी बिल्कुल, अगर ऐसे में प्रियम बात की जाए तो प्रधानमंत्री तकरीबन 10 बजे पहुंचेंगे, तक क्या वो पहले सरयू घाट जाएंगे, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे या सीधे राम मंदिर जाके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे? देखिए अभी जो प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है उसके मुताबिक 10:25 पर उनका जो विशेष विमान है वो अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और वहां से वो सीधे राम मंदिर जो है वो पहुंचेंगे, जन्मभूमि स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर तकरीबन 1 घंटे तक वो वहां पे रहेंगे और उसके बाद से 1 घंटे का जो उनका समय है वो आरक्षित रखा गया हुआ है। उस दौरान वो जो मेहमान बुलाए गए हैं उनके साथ में वो मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद 1 घंटे का तकरीबन समय है जिसमें वो अयोध्या का भ्रमण कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो पूरा कार्यक्रम है उसके मुताबिक 10:25 पर ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से वो सीधे राम जन्मभूमि स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे। अगर बात की जाए ऐसे में शुभम अयोध्या में तो क्या जगह जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात कर दी गई है, एम्बुलेंस के भी क्या खास इंतजाम नजर आ रहे हैं? शुभम आवाज मिल पा रही है आपको? दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे शुभम, लेकिन प्रियम देखिए यहाँ पे अगर जो मेहमान आ रहे हैं उनकी इतना कष्ट और इतना शोषण हुआ, यहीं पर हमारे कार सेवक गोली खा करके निरपराध लोग मरे, प्रियम कई कार सेवक इसमें ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी और जानकारी तो ये भी मिल रही है उन कार सेवकों के परिवारजनों को भी बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है। बिल्कुल देखिए उन कार सेवकों को भी जो है उनके परिजनों को भी जो है वो निमंत्रण दिया गया है, जिन लोग जो लोगों ने इस कह सकते हैं बाबरी विध्वंस के दौरान जो उन्होंने इसमें अपनी सहभागिता को निभाया था और अपनी अपना बलिदान दिया था उन सभी लोगों के परिजनों को भी इसमें बुलाया गया है। साधु संत समाज से जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनको बुलाया गया है, तो हर एक क्षेत्र से जो कह सकते हैं कि डेलीगेट्स हैं उनको यहाँ पर आज बुलाया गया है, चाहे वो फिल्म जगत की हस्तियाँ हों, क्रिकेट जगत की हस्तियाँ हों या फिर राजनीति जगत की हस्तियाँ हों, उन सभी को यहाँ पर आज जो है वो इन्वाइट किया गया है और वो सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और या कह सकते हैं कि उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके अलावा बात की जाए तो सभी के लेकर सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं, पूरे ही अयोध्या के अंदर इस समय चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो नज़र आ रही हैं, पूरी अयोध्या इस समय दुल्हन के जैसे सजी हुई है, हर तरफ केवल जो है वो वीवीआईपीस ही नज़र आ रहे हैं, चूँकि आम लोगों के लिए अयोध्या को फिलहाल जो है आज के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखें तो हर जगह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हर तरफ आपको सुरक्षा कर्मी ही नजर आएंगे, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मियों का पहरा जो है वो नजर आ रहा है, हर जगह पर जो लोग हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई जो है वो कमी ना हो, सरकार शासन की तरफ से भी हर एक चीज को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं और सभी ने ये पूरा प्रयास किया है कि जो प्रोग्राम पहले से तय किया गया है उसी के मुताबिक पूरा प्रोग्राम जो है वो संपन्न हो और इसीलिए पूरे देश से जो वीवीआईपी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो कल से ही शुरू हो गया था और वो सिलसिला लगातार अभी भी बरकरार है। जो बिल्कुल हरिद्वार का रुख कर लेते हैं, विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास धर्म नगरी हरिद्वार और क्या तस्वीर हरिद्वार से निकल के सामने आ रही है आज के शुभ अवसर पर? देखिए जहां आज अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वहीं अगर हम हरिद्वार की बात करें क्योंकि धर्म नगरी है तो हर की पैड़ी पर आज शाम को मुख्यमंत्री दीप उत्सव की यहाँ पर शुरुआत करेंगे जिसमें करीबन 1.25 लाख दिए यहाँ हर की पैड़ी पर आज जलाए जाएंगे जिसकी तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। वही हर की पैड़ी को अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि
रात के समय इसको पूरा लाइटों से जगमग किया गया था। बाकायदा दिवाली जिस तरह से मनाई जाती है वो यहाँ पर की गई थी और धर्म जगह भी यहाँ पर कराई गई थी। हनुमान जी को साक्षी मानते हुए यहाँ पर धर्म जगह उनकी यहाँ पर कराई गई थी। और लगातार अगर हम बात करें हर की पैड़ी के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, अगर हम बाजार की बात करें, बिल्कुल बाजार में इस तरह से सजाया गया है जिस तरह से कोई उत्सव दीपावली से भी ज्यादा की तैयारियां यहां पर की गई हैं। गुब्बारों से, रंग बिरंगे गुब्बारों से, केसरिया गुब्बारों से यहां पर पूरे हरिद्वार को यहां पर सजाया गया है। ना केवल बाजारों को बल्कि चौराहों को भी बिल्कुल यहां पर सजाया गया है और कह सकते हैं पूरा हरिद्वार धर्म नगरी यहाँ पर भक्तिमय और नाममय हो चली है। जी जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी सुबह सवेरे से शुरू हो गया होगा। जिस तरह से तैयारियां यहां पर हर की पैड़ी पर होनी है, शाम के समय यहां पर दीपोत्सव तो मनाया जाएगा, जिसको तैयारियों को लेकर जहां गंगा सभा तैयारी कर रही है वहीं जिसको भी ये सूचना मेरे पास कोई शब्द नहीं इतने कहने के लिए, बस दिल गुदगुद हो रहा है। बस मैं तो ये कहता हूँ योगी और मोदी ने कमाल करके दिखा दिया, सनातन धर्म और हमारे संतों ने इतना अच्छा किया है, बस मेरे पास कोई शब्द नहीं कहने के लिए, स्वामी जी बोलेंगे। मैं तो मैं स्वामी दिव्यानंद देवीराज, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल हरियाणा। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें जा रहे हैं, जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त भी आ गया। जो 500 वर्षों से हम संघर्ष करते चले आ रहे, लाखों लोगों का बलिदान हुआ, शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, उसका आज फल मिल रहा है, उसके लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारा सनातन धर्म आज गर्व कर सकता है इस बात। आज मैंने इसी राम जन्मभूमि पर 1992 में अशोक सिंघल माँ भारती बहन के साथ लटकाई है, आज लठ का दर्द पूरा। माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और इस राम में जीवन को प्रारंभ करने के लिए, राम राज्य का प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सर लंबा संघर्ष रहा, क्या कहेंगे? लंबा संघर्ष का ही तो रिजल्ट है कि आज भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं और भगवान राम का प्राकट्य हो रहा है। तो देखिए, हर कोई यही कह रहा है कि इस पल का साक्षी बनते हुए बेहद खुशी हो रही है, कोई शब्द नहीं है कुछ भी बोलने के लिए, इतनी ज्यादा खुशी है। प्रियम, बात की जाए तो 23 दिसंबर 1949 वो दिन था जब पहली बार ऐसा कहा गया था कि सपने में राम जी आए थे और कहे थे कि दिवाली है और मैं भारत संस्कृति न्यास का अध्यक्ष हूँ, संस्कृति पर्व का संपादक हूँ। लेकिन जी आप बताइए कि आप प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। जी जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं 89 में 90 में दोनों कार सेवाओं में था। 90 को जब दुर्घटना हुई थी तब भी मैं यहाँ था, 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिरा था तब भी मैं यहाँ था, उस समय मैं अखबारों में नौकरी कर रहा था और मेरे ही फोटोग्राफर का ये पूरा टूटा था जिसको उस समय पूरी दुनिया के अखबारों ने छापा था। उसके बाद 5 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में यहाँ भूमि पूजन किया था उस समय भी मैं था,
और मेरा सौभाग्य है कि आज 22 जनवरी को भी मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, सब कुछ देखने को मिल रहा है, मेरे सामने एक इतिहास घट रहा है, एक बड़ा इतिहास है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत बड़ी प्रतीक्षा। मतलब इसको इस रूप में देखना चाहिए कि भगवान श्री राम का जीवन ही पूरी प्रतीक्षा है और वह प्रतीक्षा आज 500 वर्षों के बाद 40 पीढ़ियां हमारी गुजरी हैं और उसके बाद ये प्रतीक्षा पूरी हो रही है। तो ये तो सारा जो परिवेश है, ये सारा परिवेश मुझे लगता है कि एक राजसूय यज्ञ है और कोई चक्रवर्ती पुनरुद्धार कर रहा है अयोध्या का, ठीक उसी रूप में हम देख रहे हैं इसको। अरे बहुत अच्छा, सब तैयार है। और यह जो हमारे पहले वाले रामलला हैं वो भी वहीं विराजमान हो गए हैं कल शाम के। अब दोनों की विधि विधान से पूजा होगी। वो बड़े हैं, छोटे हैं, तो जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और राम भक्तों की इच्छा रही वो पूरा हो रही है। क्या हमें प्रधानमंत्री जी आएंगे और क्या हमें पूजन होगा भगवान का? ये तो उनके जो शेष काम पूरा हो चुका है, जो शेष काम होगा वो प्रधानमंत्री जी के आने पर होगा। और जैसे तो आप सुन रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे कहा गया कि शेष काम जो है प्रधानमंत्री के आने के बाद होगा प्रियम्मा। लेकिन देखिए, ये जो 1949 से सफर शुरू हुआ था बाबरी मस्जिद में रामलला है ये सुना गया था, सपने में आया था। उसके बाद 1949 में ये जब मूर्ति रखी गई थी और पहला केस भी 1950 में दर्ज हुआ था। प्रियम बिल्कुल, देखिए स्वीटी, ये पूरा जो कह सकते हैं अयोध्या विध्वंस से मामला पहले के करीब 50 साल पहले का है, 49 की बात है, जब इस बात को पहली बार लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना कि अयोध्या जो है वो भगवान श्री रामलला की नगरी रही है और यही जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वो रामलला के मंदिर का स्थल था। तो ये चर्चा शुरू हुई, कई सालों तक इस मामले को लेकर कोर्ट की कार्रवाई जो है वो चलती रही, लेकिन उसके बाद भी जब फैसला नहीं हुआ तब कार सेवकों की तरफ से 6 दिसंबर 1992 को जो है अयोध्या का जो विवादित ढांचा था बाबरी मस्जिद का उसको ढाया गया था और उसके बाद से पूरा मामला रहा। जब रामलला वापस अपने मंदिर में जो है वो विराजमान होने जा रहे, तो ये एक लड़ाई जो है वो एक लंबी रही है, कई दशकों की ये लड़ाई रही है, 500 साल पुराने ये पूरी घटना जो थी तब से ये पूरी जो मामला था वो चल रहा था। लेकिन अब वो वक्त आज आखिर मुकम्मल ही हो गया है जब राम भक्त जो चाह रहे थे वो वक्त पूरा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं नया जन्म ले रहा हूँ। अभी तक की जो मेरी उम्र हो गई ये उम्र मुझे नया जन्म दे रही है और नया जो कलेवर मन में आ रहा है ये उत्साह का माहौल है, ये राम राज्य की स्थापना है, ये भारत का विश्व गुरु पे पद की प्रतिष्ठा है और आज का जो दिन है वो भारत के लिए नहीं विश्व के लिए नया उदय हो रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। तो जय श्री राम के उद्घोष से पूरा अयोध्या नगरी गूंज रहा है। ऐसे में मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा में भी राम में माहौल नजर आ रहा है क्या फारूक? यहाँ श्री के जन्म स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूँ और देखिए बड़ा ही यहाँ पे उल्लास देखने के लिए नजर आ रहा है। सब एकदम मथुरा जो है पूरी राम में हो गई है और देखिए हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के श्री कृष्ण जन्मभूमि के पटका आशुतोष पांडे जी भी हमारे दे, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे अपने सहयोगी से कि वो दिखाएं किस तरीके से जो है भजन चल रहे हैं। राम जी
आओ राम जी भोग लगाओ, राम जी मेरा भोग करो स्वीकार रे। अब कौन बजाए सुरिया बिरनी के बेर सुदामा के कांदोरे, रुचि रुचि भोग लगाओ राम मेरे, रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ राम जी भोग लगाओ राम जी। ये मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि से जो लड्डू भेजे गए हैं उसके लिए भगवान राम का भोग यहीं से हम लोग गा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागी सागे विधुर घर खाओ राम जी, सागे विधुर घर ओ। आओ राम जी भोग लगाओ राम जी मेरा भोग करो स्वीकार रे, अब कौन बजाए प्रभु को मन में बसाए जा, राम लला जी आए मेरे जय श्री राम गाए जा, मन में ध्यान लगाए जा गली गली बन जाए। आओ राम जी भोग लगाओ राम जी मेरा भोग करो स्वीकार। श्री कृष्ण भगवान जी जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या हुई हमारी है अब मथुरा की, अयोध्या हुई हमारी है अब मथुरा की, अयोध्या हुई हमारी है। फारूक 500 साल बाद राम जी वापस आ रहे हैं, क्या इतना ही उत्साह मथुरा में भी देखने को मिल रहा है? जी देखने को मिल रहा है। 500 साल बाद राम वापस आ रहे हैं, यही उत्साह मथुरा में भी देखने को मिल रहा है? आवाज पहुंच पा रही है फारूक आप तक? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि 500 साल बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वापस आ रहे हैं अयोध्या नगरी में, यही उत्साह मथुरा में भी देखने को मिल रहा है? यहाँ पर जो है भव्य एकदम माहौल है, भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में श्री राम लला की आज प्राण प्रतिष्ठा है। इसी तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से देखिए कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने आशुतोष पांडे जी मुख्य पत्रकार हैं और तमाम संत लोग। ये देखिए ठाकुर जी की छवि देखिए आप किस तरीके से जो है लेके, और यहाँ पर ठाकुर जी की छवि तो गोद में लिए हुए हैं, और यहाँ पे भी पूरा माहौल जो है एक तरीके से क्योंकि राम में हो गया इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों में उल्लास है और लोग एकदम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर राम में हो चुके हैं। जी बिल्कुल फारूक, हर जगह से उत्साह ही नजर आ रहा है, पूरे देश भर में यही माहौल है और राम के जय घोष से हर कोई गूंज रहा है, नारे लगातार लगा रहा है। ये बुलेटिन में लगातार खबरें जारी रहेंगी और कवरेज इंडिया वॉइस अखंड कर रहा है।